और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं, जो कि महाराष्ट्र से आ रही है। पुणे सीरम इंस्टीट्यूट में लगी आग से 5 कर्मचारियों की मौत हो गई है। सीरम इंस्टीट्यूट की आग पर उद्धव ठाकरे ने अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि कोविशील्ड वैक्सीन सुरक्षित है और इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पवार ने अब जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड बना रही है। जहां आग लगने का मामला सामने आया था, फिलहाल पवार ने जो है इस आगजनी के मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगने के कारण 5 कर्मचारियों की मौत हो गई है। सीरम इंस्टीट्यूट की आग की खबर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बयान दिया है कि कोविशील्ड वैक्सीन फिलहाल सुरक्षित है और मामले की जांच की जाएगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पवार ने जांच के आदेश दिए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड बना रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पवार ने जांच के लिए आदेश जारी कर दिया है। जांच की जाएगी इस पूरे आगजनी के मामले की। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं, जो कि पुणे से आ रही है। सीरम इंस्टीट्यूट की आग पर सीएम उद्धव ठाकरे ने बयान दिया है। कहा है कि कोविशील्ड वैक्सीन सुरक्षित है और मामले की जांच की जाएगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पवार ने जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में ही कोविशील्ड बन रही है, जो कि कोरोना की वैक्सीन है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पवार ने जांच के आदेश दिए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट में लगी आग से 5 कर्मचारियों की मौत, इस वक्त की बड़ी खबर। सीरम इंस्टीट्यूट की आग पर बोले उद्धव ठाकरे। खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुरारी सिंह इस समय फोन लाइन पर जुड़े हैं। मुरारी, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। कोविशील्ड बना रही सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगी है और अब उद्धव ठाकरे ने इस पूरे आगजनी के मामले को लेकर अपना बयान जारी किया है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहना है आपको। बता दें, दोपहर 2 बजे के आसपास जो है कोविड इंस्टीट्यूट के जस्ट बगल में ही एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में होल्डिंग का काम चल रहा था और उस दरमियान किंडारी भटकी और जिसकी वजह से आग लगी। काफी केमिकल वहां होने की वजह से आग कम समय में ही पूरी इमारत को अपनी आगोश में ले लिया था। समय खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस और महानगर पालिका के कर्मचारी पहुंचे और लगभग 12 से 13 जो की गाड़ी फायर ब्रिगेड की और 3 घंटे की करीब मशक्कत के बाद आग बुझाया गया, कह सकते हैं काबू पाया गया। लेकिन इन सब के बीच एक दर्दनाक खबर कि इस पूरे हादसे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। जी बिल्कुल, और जानकारी मिल रही है कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने आदेश जारी कर दिए हैं इस पूरे मसले की जांच के लिए। मुरारी जी, जिस तरीके से राजेश टोपे ने मीडिया से बात करते हुए, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले के लिए उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार ने जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस भी इस पूरे मामले में गहन छानबीन कर रही है। लेकिन जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री टोपे ने कहा कि कोविड वैक्सीन सेंटर जो है उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, एक बड़ी राहत थी क्योंकि बड़ी मात्रा में जो है कि टीकाकरण का अभियान चल रहा है और उसके लिए वैक्सीन वहां पर तैयार की जा रही है। लेकिन उसी इमारत से सटी दूसरी जो इमारत थी उसमें हादसा हुआ और जिसे लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सहित तमाम जिम्मेदार नेता इस पूरे मामले की जांच कराने की बात कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।